भारत के इतिहास की हस्तलिखित नोट जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन्हें हम पढ़ने का प्रयास करेंगे जो आपकी भर्ती परीक्षा में या जहां से आपकी भर्ती परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, खासकर कॉपी कलम लेकर, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं और इस शॉर्ट नोट्स में उन सभी चीज़ों को मेंशन किया गया है जहां से आपकी परीक्षा में हूबहू या थोड़े परिवर्तन के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम आधुनिक भारत के इतिहास में अगर हम देखें तो उत्तर मुगल काल एवं विदेशी आक्रमण पढ़ते हैं हम लोग। उत्तर मुगल शासक, लेटर मुगल जो रूलर हैं, लेकिन जहां से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसे टॉपिक है जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं, अर्थात आधुनिक भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, ठीक है, मॉडर्न इंडिया और नेशनल मूवमेंट, मतलब ये दो ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपके सिलेबस में जरूर प्रश्न आते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, ये वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपके सिलेक्शन से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास की जो सीरीज का पहला भाग आप देख पा रहे हैं, जहां पर हम ये प्रयास करेंगे कि आज की सीरीज में ज़्यादा तथ्यों को पढ़ना। कॉपी कलम के साथ बैठिएगा, ये निःशुल्क क्लास है। जैसे इस वीडियो में जुड़िएगा, ये वीडियो अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा और हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस क्रम में यूरोपीय कंपनियां भारत में आई हैं। जैसे कंपनी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, ये कहां से, पुर्तगाल देश में 1498 में। कौन गवर्नर उस समय कौन था, अल्मीडा, कहां पे पहुंचे थे, कालीकट बंदरगाह पे, और अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक था, यहां से याद रखिएगा। दूसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, अगर मतलब दूसरे पे देखा जाए तो यहां पर पहले पे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरे पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की 1600 में आती है, सर टॉमस रो सूरत पे, और यहाँ सूरत और मसली जो मसूलीपट्टम है यहाँ पे बंदरगाह बनाते हैं। जी हाँ, ये आपकी परीक्षा में जरूर फायदा करेगा क्योंकि उसी के लिए सीरीज आपके लिए आई है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच 1602 में आई, ब्रिचो मसूलीपट्टम प्रथम डच फैक्ट्री पिवली। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश में 1616 में डहतमान सुतानतनी और सरामुखी बंगाल प्रमुख व्यापार केंद्र था। चलते हैं आगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस 1664, कल्बर्ट मार्टिन सूरत में, प्रथम अखबार की शुरुआत यहीं से होती है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश से 1731 में, विलियम यूसेलरिक्स गोहनबर्ग में, ये कपड़ों के व्यापार हेतु पहला प्रयास किया गया। तो अगर आप चाहें तो इनकी स्क्रीनशॉट एक बार क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में जब सवाल पूछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से काफ़ी मदद मिलने वाली है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सभी लोग। चलते हैं आगे, अब हम लोग पढ़ते हैं पुर्तगाल। पुर्तगाल से देखते हैं क्या क्या प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, पुर्तगाल में पुर्तगाली जो थे, वास्को डी गामा, ध्यान से देखिएगा, जो वास्को डी गामा था ये प्रथम पुर्तगाली था जो गुजरात के व्यापारी अब्दुल मसीद के पद प्रदर्शक से भारत के पश्चिमी तट पर 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे की पॉइंट मैंने लिखवा दिया जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और आगे चलते हैं, वास्को डी गामा भारत आने के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के उस समय शासक कौन थे, जमोरिन थे, इन्होंने इनका स्वागत किया। वापस जाते समय वास्को डी गामा कुछ मसाले, काली मिर्च अपने साथ ले गया। उसने मसालों को अपने देश में बेचा तो वहाँ पे 60 गुना अधिक उससे मुनाफा प्राप्त हुआ। यह देखकर अन्य व्यापारी भी भारत आने के लिए प्रोत्साहित हुए। पहला प्रश्न, भारत आने वाले पहले विदेशी कौन थे, तो आपके पुर्तगाली थे, जिसे आप पुर्तगीज के नाम से जानते हैं। ये आपको इलेनी पित्रगेस के नोट्स पर मिल जाएगा और आपके लिए नोट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, शायद आपको भी ये बातें पहले से ही विदित या स्पष्ट होंगी। और आगे चलते हैं, पुर्तगाली गवर्नर के बारे में एक नज़र देख लेते हैं। ऐसे गवर्नर जनरल मैंने पढ़ाया है, वहाँ पर भी इसकी सीरीज है, यहाँ पर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ऐसी सीरीज आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी पूरे। पुर्तगाली गवर्नर जनरल फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे, 1505 में बना। व्यापारिक हितों के लिए हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे बता दिया। दूसरा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये 1509 से 1515 तक थे, इनके बारे में कुछ बातें हैं। अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क गवर्नर बना। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। ये हमने ऑनलाइन सीरीज की जहाँ प्रैक्टिस सेट कराई थी वहाँ पर मैंने इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाया था। 1510 में गोवा पर शासन आदिल शाह को हराकर गोवा अपने नियंत्रण में कर लिया। आप बताइए, भारत आने वाला पहला विदेशी, जो विदेशी थे वो कौन थे, और सबसे अंत में भारत छोड़ने वाले
विदेशी कौन थे, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके दीजिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे से आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स करिएगा और जवाब दीजिएगा, सबसे पहले कौन आए थे और सबसे बाद में कौन गए थे। ठीक है, चलिए अब नीनो डी कुन्हा 1529-38 में, इसने 1530 में अपनी राजधानी कोचीन को हटाकर गोवा बनाया, 1524 में बेसिन और 1535 में द्वीप पर अधिकार किया। मुगल बादशाह बहादुर शाह के साथ युद्ध करते समय इनकी मृत्यु हो गई। पुर्तगाली शासन जो शासक थे उनका भारत में क्या क्या योगदान रहा, आइए एक नज़र इसमें देखते हैं। तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस 1556 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाज का निर्माण आदि की शुरुआत किसने किया था, पुर्तगीजों ने किया था, पुर्तगालियों ने किया था, यहाँ से रट लीजिएगा। अगर आपको सरकारी नौकरी करनी, सिलेक्शन लेना है तो 60 नोट्स आप इलेनी भी दुर्गेश अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा। गोथिक स्थापत्य कला पुर्तगालियों की ही देन है, माने जो गोथिक स्थापत्य कला है यह पुर्तगालियों की ही देन है। आगे देखते हैं हम लोग डच के बारे में देखते हैं, इसके बाद डच आते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। यह सभी क्लास इलर्निंग पे दुर्गेश्वर मेरे द्वारा निःशुल्क है, या जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से लाइव चल रही है आपके लिए, इसी बाद में भी देख सकते हैं। डच के बारे में जानते हैं, डच मैंने ऊपर बताया कि जो डच थे पहले पुर्तगाली जो पुर्तगीज आते हैं, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं 1600 में, फिर 1602 में डच हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे। 1602 में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच के बारे में आपको यहाँ जरूर बताना चाहूँगा कि जो डच संसद ने भारत में पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए 21 वर्ष का एकाधिकार दिया। कितने वर्ष का? 21 वर्ष का एकाधिकार दिया। डच कंपनी कोरोमंडल तट पर 1605 ईस्वी में मसूलीपत्तनम में अस्थाई डच फैक्ट्री का स्थापना की। 1616 में सूरत में कंपनी और 1641 में मसूलीपट्टनम में कंपनी फैक्ट्री की स्थापना की। किसने? डच ने। ये दोनों कंपनियां आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछी जाती हैं, रट लीजिएगा अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है तो, हमेशा काम देगा ये। आगे बढ़ते हैं, 1759 में भारत में आते हैं। ठीक है, ये 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार पत्र दिया। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया, जहां पर जहांगीर द्वारा उसका स्वागत किया गया। हॉकिंस जहांगीर के दरबार में सूरत फैक्ट्री स्थापना के लिए अनुमति लेने आया था, परंतु पुर्तगालियों के दबाव में जहांगीर ने मना कर दिया। अपना पहला कारखाना 1600 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, जो वीडियो को देख रहे हैं अब आगे देखेंगे। सर टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर 1615 में सूरत आए। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैरिन के साथ हुआ, जिसके फलस्वरूप पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज स्वरूप चार्ल्स द्वितीय को दे दिया, दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को सौंप दिया। सुनहरा फरमान, ये रट लीजिएगा परीक्षा में पूछा जाता है, 1717 में यह फरमान फर्रुख सीयर द्वारा जारी किया गया। इस फरमान में बंबई के सिक्कों को पूरे मुगल राज्य में चलाने के आदेश मिल गए। इस फरमान में आर्न महोदय ने कहा था यह कंपनी का एक तरह से मैग्ना कार्टा था, यह क्या था? कंपनी का मैग्ना कार्टा था। 1698 में कंपनी ने बंगाल के सूबेदार अजीमुस्तान से 1300 रुपये में सूतातनी काली काता गोविंदपुर तीन गांव जमींदारी प्राप्त कर ली। इन्हीं तीनों गांव में मिलकर आधुनिक कलकत्ता की नींव पड़ी। अगर पूछा जाए कलकत्ता वर्तमान जो कलकत्ता है कैसे मिलकर बना था, तो तीन गांव थे, यह हमने आधुनिक भारत के इतिहास सीरीज में पढ़ाया है। सूतातनी फर्स्ट, काली काता दो, तीसरा गोविंदपुर को मिलाकर वर्तमान कलकत्ता बना है। और किसने? 1698 में कंपनी ने बंगाल के जो सूबेदार थे अजीम उस्तान से 1300 रुपये में लिया था। फिर आगे देखते हैं, अगले 1700 में जॉब चारनाक ने इस विकसित कर कलकत्ता का रूप दिया। ध्यान दीजिएगा, 1700 में जॉब चारनाक ने इसे विकसित कर कलकत्ता का रूप दिया। 1774 से 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रही, और उसके बाद राजधानी कहाँ जाती है सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। यह नोट्स का सीरीज है आपके लिए। अगला है डेनमार्क, आइए डेनमार्क के बारे में जानते हैं। अंग्रेजों के बाद 1616 में डेन भारत में आए। ठीक है, 1620 में प्रथम फैक्ट्री तंजौर में
तमिलनाडु में जो त्रावणकोर में है, 1776 में दूसरी फैक्ट्री सोमपुर बंगाल में स्थापित की गई, पहली फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री। इन्होंने भारत में 25 वर्षों तक शासन किया, लेकिन अंग्रेजी प्रतिद्वंदिता उनके कूटनीति चालों को आगे टिक नहीं सकी, यहाँ तक इम्पोर्टेंट था। फिर फ्रांसीसी बारे में जान लीजिएगा, भारत आने वाले सबसे अंतिम यूरोपीय जो शक्ति फ्रांसीसी थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में हुआ, कंपनी का नाम कंपेन देस ओरिएंटलिस रखा गया। फिर हम देखते हैं 1668 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फैंक्रो कैरो के द्वारा स्थापित की गई। दूसरी फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में गोलकोंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर की गई। आगे है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विजय। आइए ध्यान से देखते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल है, एक एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। या जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुँचा दीजिए। ये शॉर्ट नोट्स है, जहाँ से आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर आपने हल किया होगा, देखा होगा, इससे बाहर एक भी परीक्षा में प्रश्न आपके नहीं आने हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के जो विजय युद्ध थे क्या क्या थे? प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था। युद्ध की समाप्ति ए ला सोपेल की संधि से हुई। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की जीत हुई, जिसका नेतृत्व डुप्ले ने किया। ठीक, अब अगला है आपके सामने द्वितीय कर्नाटक युद्ध। यह युद्ध 1749 से 54 के बीच लड़ा गया। युद्ध का कारण हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामले का विवाद था। युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि से हुई। इस युद्ध में डुप्ले की हार हुई, इसके स्थान पर रोडेंडू को फ्रांसीसी गवर्नर बना दिया जाता है। ठीक है, अगला है आपके सामने, ये तीनों युद्ध महत्वपूर्ण है। तृतीय कर्नाटक युद्ध है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763 के बीच लड़ा गया। यह युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध के प्रभावित था, जो 1756 में शुरू हुआ था। इस युद्ध की समाप्ति पेरिस संधि 1763 से हुई। 1760 में बांडीवास का युद्ध होता है, ये इंपॉर्टेंट है। 1760 में बांडीवास का युद्ध होता है, अंग्रेजी कंपनी ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया यहाँ पे। ठीक, अंग्ल मैसूर संघर्ष, यहाँ से भी परीक्षा प्रश्न आते हैं। मैंने बताया वही टॉपिक आपके सामने है, वही जो आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक है। युद्ध हैदर अली तथा अंग्रेज मराठा निजाम अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? स्मिथ जनरल ने किया था। गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। कारण क्या था? हैदर अली की विस्तार नीति थी। संधि से मद्रास संधि के नाम से जाना जाता है। परिणाम क्या था? इसमें अंग्रेजों की हार होती है, अंग्रेजों की पराजय होती है। अगला, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वर्ष 1780 से 84 ईस्वी तक। युद्ध हैदर अली एवं टीपू तथा वारेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। देखिए इसमें क्या, देखिए युद्ध क्या किनके बीच हुआ? हैदर अली एवं टीपू तथा वारेन हेस्टिंग के बीच हुआ। गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। कारण क्या था? हैदर अली द्वारा अंग्रेजों पर मद्रास की संधि न मानने का आरोप। संधि को क्या कहते हैं? मैंगलोर की संधि के नाम से जानते हैं। दोनों पक्षों के विजित प्रदेश और बंदियों को वापस करने का यहां पर निर्णय लिया जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करें तो यह 1790 से 1792 ईस्वी तक लड़ा गया। यह युद्ध टीपू तथा मिंडोज के मध्य हुआ। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कार्नवालिस था। कारण क्या था? टीपू तथा पश्चिमी तट पर नियंत्रण करना था। संधि को क्या कहते हैं? श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जानते हैं। परिणाम क्या हुआ? टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। ये चीजें रट लीजिए आप लोग। अब क्या था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1799 में हुआ। युद्ध टीपू तथा वेलेजली के मध्य हुआ। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। कारण क्या था? वेलेजली की सहायक संधि। संधि क्या होती है? मैसूर की संधि। परिणाम क्या होता है? टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेजों का अधिकार होता है। मैसूर का शासक पुनः अड़ियार वंश को प्रदान किया गया। अब आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं हम लोग। देखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, ये सारे जो प्रश्न है ये आधुनिक भारत इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध इंपॉर्टेंट थियरी है यार। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, वीडियो पूरी तरह से एचडी इलेनी विद दुर्गेश की फेसबुक पेज, यूट्यूब दोनों पर आपको लाइव मिलेगा। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुआ। गवर्नर जनरल कौन था उस समय? वारेन हेस्टिंग थे। संधि शालबाई की संधि 1782 में होती है। इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी नोट्स में, ऐसे आप पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, कितनी चीजें लाएंगे। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 में। गवर्नर जनरल कौन था? लाजबालो एवं वेलेजली।
बेसिन की संधि का मराठा सरदारों में विरोध, संधि राजपुर घाट की संधि 1804 में होती है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग कारण पिंडारियों के विरुद्ध अभियान एवं मराठों के बीच चुनौती। मुख्य बिंदु, बाजीराव द्वितीय के हार जाने के बाद अंग्रेजों ने पेशवा पद की समाप्ति यहीं पे कर दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या होता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था, कारण क्या था कि पिंडारियों के विरुद्ध अभियान, मराठों को चुनौती, यहाँ पर मुख्य बिंदु क्या है, बाजीराव द्वितीय के हार जाने से के बाद अंग्रेजों ने पेशवा पद की समाप्ति कर दी यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आंग्ल सिख युद्ध। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं आंग्ल सिख युद्ध की तरफ। ठीक है, किस युद्ध की तरफ, आंग्ल सिख युद्ध की तरफ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1845 से 1846 तक हुआ था, ये रट लीजिएगा। ये जो सारे टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, ये सारे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम और आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे, संधि लाहौर की संधि के नाम से जाना जाता है। प्रथम बिंदु क्या था, सिखों के सतलज नदी के दक्षिणी क्षेत्र के सभी प्रदेश अंग्रेजों ने अधीन थे, ब्रिटिश रेजिमेंट के लाहौर में नियुक्त किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक है ई लर्निंग विद दुर्गेश का, उस ऐप पर आपको सभी क्लास, MCQ प्रश्न, सारे PDF नोट्स, सभी चीज़ें आपको वहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। आप एप्लीकेशन स्वयं इंस्टॉल करिएगा, अपने सभी साथियों को जरूर इंस्टॉल करिएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध वर्ष 1848-49 में, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी मुल्तान के सूबेदार का अंग्रेज के प्रभाव से, प्रमुख बिंदु पंजाब अंग्रेजों से राज में मिला लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन के साथ इंग्लैंड भेज दिया, और कारण क्या था, मुल्तान के सूबेदार का अंग्रेज के प्रभाव से मुक्ति होने के लिए विद्रोह। ठीक है, अंग्रेज जो बंगाल के नवाब, देखिए कितनी तेजी से हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग फोकस उन्हीं के तथ्यों को पढ़ रहे हैं जहां से आपकी परीक्षा में हूबहू या सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। अगला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुगल काल में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। बंगाल का अगर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बंगाल का प्रथम स्वतंत्रता शासन मुर्शिद कुली था, जिसका उत्तराधिकारी अली वर्दी खां बना। सिराजुद्दौला अली वर्दी खां का नाती था जो बंगाल का नवाब बना, यह बात आप लोग रट लीजिएगा, यह बात आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब सिराजुद्दौला, यहाँ से प्रश्न आता है, सिराजुद्दौला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला को विद्रोही, सिराजुद्दौला के विद्रोही कौन थे, घसीटी बेगम, सेनापति मीर जाफर। कलकत्ता पर अधिकार जमाने के लिए सिराजुद्दौला ने जून 1756 में आक्रमण किया, 146 लोगों को बंदी बनाकर उन्हें अंधेरे कमरे बंद कर दिया। दूसरे दिन उनमें केवल 23 लोग, इसे हलवेर के अनुसार क्या है, जीवित बचे, अलग अलग हैं। इसे काल कोठरी की संख्या दी गई, किसकी, काल कोठरी की, ये परीक्षा में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है काल कोठरी को लेकर, तो आप लोग रट लीजिएगा जितने लोग सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच हुआ। मीर जाफर, 1757 ईस्वी में मीर जाफर ने क्लाइव के बंगाल का नवाब नियुक्त किया। मीर जाफर ने ही कंपनी को 24 परगना की जिम्मेदारी सौंपी, जिसे क्लाइव की जागीर के नाम से भी जाना, जिसे क्या कहते हैं, क्लाइव की जागीर के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, सिलेक्शन के लिए, ये पूरी नोट से लेने में दुर्गेश की। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद तथा अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी में सबसे योग्य था। मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम तथा अंग्रेज कप्तान हेक्टर मुनरो के बीच लड़ा गया, इंपॉर्टेंट है। सारे सवाल परीक्षा वाले हैं जो नोट्स में आप पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ेंगे तो पूरी किताब रटनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर केवल केवल इंपॉर्टेंट की पॉइंट।
बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण अधिकार स्थापित हो जाता है। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था 1756 से 1772, द्वैत शासन की शुरुआत गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ने 1756 ईस्वी में बंगाल में की थी। यह शासन पद्धति पूर्णतया असफल रही, परंतु इसकी जो कार्यप्रणाली के अंतर्गत कंपनी ने दीवानी के कार्य के लिए उप दीवान बंगाल में राजा खां एवं बिहार के लिए राजा शिताब राय को नियुक्त किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द्वैत शासन का जनक लियो कार्टिस को माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द्वैत शासन का जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। यह आपको इलनी विद दुर्गेश के नोट्स में आपको मिलेगा, बाकी शायद आपको अन्य जगह न देखने को मिले न पढ़ने को मिले। आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं जो परीक्षा में आपके लिए ज्यादा पूछे जाते हैं। इजारदारी प्रथा प्रारंभ किसने की? मुर्शीद कुली खां। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? भागीरथी। मुर्शिदाबाद मुंगेर राजधानी परिवर्तन किसने किया? मीर कासिम ने। अलीनगर की संधि अंग्रेजों स्वराज दौला के मध्य हुई। काल कोठरी घटना किस पुस्तक में की गई? द लाइव इन ए वंडर। ये इंपॉर्टेंट है, सभी लोग यार वीडियो को शेयर करिए लोगों तक, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, पैसा नहीं कटेगा आपका। अब हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे, 1757 से 1857 के मध्य जो जन विद्रोह, मैंने आपसे पहले वादा किया था हम परीक्षा वाले तथ्यों को पढ़ेंगे। देखिए आप सभी लोग ऑनलाइन क्लास नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से मेरे द्वारा निःशुल्क एज गेस्ट के रूप में आपके लिए चलाया जा रहा है। लंबी क्लास है, बड़ी क्लास है, केवल नोट्स की व्याख्या करेंगे, उन्हीं तथ्यों को पढ़ेंगे जो परीक्षा में बार बार आते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, सन्यासी विद्रोह ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्षेत्र बंगाल एवं बिहार, नेतृत्वकर्ता मजुमन शाह, ठीक है, कौन है? मजुमन शाह। नारा वंदे मातरम, रट लीजिएगा, सन्यासी विद्रोह में वंदे मातरम का नारा दिया जाता है, ठीक है। अब वंदे मातरम का रचयिता कौन है, कमेंट करके बताइएगा। दमनकर्ता अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग है। प्रमुख नेता कौन थे? द्विज नारायण, भवानी पाठक, देवी चौधरान जी, मंजुम शाह, मूसा शाह, चिराग अली, कृपानाथ, नूरुल अहमद, पीताम्बर, अनुपम नारायण, ये सभी क्या थे? इसके प्रमुख नेता थे। तो ये की पॉइंट है, परीक्षा वाले हैं। रंगपुर का विद्रोह 1783 में, क्षेत्र क्या था? रंगपुर बंगाल में है। नेतृत्व धीरज नारायण व नूरुद्दीन, जी हाँ, आपने एकदम सही जवाब दिया। अहोम विद्रोह, रट लीजिएगा, परीक्षा वाले, क्षेत्र असम में है। नेतृत्वकर्ता गोधम गोमधर कुंवर। वहाबी आंदोलन, रट लीजिएगा, यह कई बार परीक्षा में पूछा है। क्षेत्र बिहार बंगाल, सैयद अहमद बरेलवी, रायबरेली, प्रमुख केंद्र पटना बिहार। फराजी या फरेजी विद्रोह 1830 से 1857 के बीच, क्षेत्र बंगाल। दादू मियां खां नेतृत्वकर्ता, जनदाता हाजी सरीम अतुल्लाह। गडकरी विद्रोह 1844 में, क्षेत्र कोल्हापुर महाराष्ट्र। नेतृत्वकर्ता दीजी कृष्ण पंडित। अगला आदिवासी विद्रोह, चुवार विद्रोह 1768 से 1832, क्षेत्र मदीनापुर बंगाल। नेतृत्व जगन्नाथ। कोल विद्रोह 1829 से 1848, क्षेत्र सिंहभूमि के निकट सोनपुरा परगना झारखंड। नेतृत्व बुद्धो भगत व गंगा नारायण। किसके लिए? कोल विद्रोह ये पूछा, आदिवासी विद्रोह ये भी पूछा जा चुका है, कूका विद्रोह बहुत बार पूछा है, कूका विद्रोह बहुत बार पूछा है। 1860-70 के बीच, क्षेत्र पश्चिमी पंजाब। नेतृत्वकर्ता भगत जौहर मल, उनके शिष्य बालक सिंह। संबंधित व्यक्ति राम सिंह कूका, इन्हीं के नाम पर इसको कूका आंदोलन कहते हैं, कौन है? राम सिंह कूका। संथाल विद्रोह, क्षेत्र भागलपुर राजमहल तक 1855-56। नेतृत्वकर्ता सिंधु और कानू। 1857 की क्रांति, इसे 1857 की क्रांति के नाम से हम सभी जानते हैं, तो जल्दी नहीं बताइए यहां तक क्या आप लोग को समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया हो तो मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछूंगा। जी हाँ, सभी लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, यार ये सिलेक्शन वाले टॉपिक हैं, सिलेक्शन वाले सवाल हैं। कच्छ का विद्रोह का संबंध किससे है, जरा कमेंट करके बताइए। कच्छ का विद्रोह नेतृत्वकर्ता कौन था? कच्छ के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? राजा भारमल, रट लीजिएगा, पूछा है। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति, 1857 विद्रोह सैन्य विद्रोह के, 1857 की जो क्रांति है इसे सैन्य विद्रोह माना जाता है क्योंकि यह केवल सैनिकों तक ही सीमित रह गया, इसे आम जनता का सहयोग नहीं मिल सका, यह इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन ज्वलंत कारण चर्बी लगे कारतूत थे। 29 मार्च 1857 को बंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूतों को मुंह में काटने से अस्पष्ट मना कर दिया, जिसके कारण उसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, विस्कॉन्ट पामर्स्टन थे। रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को किताबों में जल्दी पढ़ने को नहीं मिलेगी, यह सवाल परीक्षा में पूछा जाता है और ज़्यादातर लोगों के सवाल गलत होते हैं। आप किताब पढ़ते हैं तो मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन आज की वीडियो में केवल निचोड़ पढ़िए और जाके सिलेक्शन लीजिए, यह आपकी मैराथन है, आधुनिक भारत का इतिहास। अगला है आपके सामने 1857 क्रांति के प्रमुख तथ्य क्या क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर सैयद अहमद खां की पुस्तक का नाम था द केव ऑफ द इंडिया रोलेट 1857। 1857 क्रांति को सैनिक विद्रोह माना, माने सर सैयद अहमद खां ने 1857 की क्रांति को एक सैनिक विद्रोह माना। क्या माना? एक सैनिक विद्रोह माना। वी डी सावरकर की पुस्तक फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसके द्वारा, वी डी सावरकर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश इतिहासकार सीले और जॉन लॉरेंस और ट्रेवेलियन के मालसेन 1857 में विद्रोह को केवल सैन्य विद्रोह ही मानते हैं। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है विद्रोह के कारण, राजनीतिक कारण। मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं ताकि तथ्य आपके क्लियर होते चले, लेकिन बस यही लग रहा है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाइए, ये शॉर्ट नोट्स है। राजनीतिक कारण, कुशासन के आधार पर राज्यों की हड़पने की नीति, पेंशन तथा ब्रिटिश पदों पर भारतीयों की समाप्ति, शासन के प्रति अविश्वास, आर्थिक कारण बेरोजगारी की समस्या, दोषपूर्ण भूमि की व्यवस्था, सामाजिक कारण एवं धार्मिक कारण, सामाजिक व धार्मिक ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, भारतीयों द्वारा गोद लेने क्रिया को बंद कर देना, सैनिक कारण भारतीयों को उच्च पदों पर वंचित रखना, चर्बी कारतूतों का प्रयोग माने जो उच्च पद हैं वो अंग्रेजों को देना, ये सभी उस समय की विद्रोह के तत्कालिक कारण माने जाते हैं। 1857 के क्रांति की असफलता के कारण क्या क्या थे, आइए उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। 1857 की क्रांति की असफलता कारण, संपूर्ण भारत की जनता का एक साथ इस विद्रोह में शामिल न होना, विद्रोह एक निश्चित समय के पूर्व हो जाना, माने जो निश्चित तिथि थी उससे पहले हो गया। मैं एक सवाल पूछूंगा, 1857 की क्रांति की निश्चित तिथि क्या थी, उसका चिन्ह क्या था और क्रांति कब शुरू होती है, इन सभी का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देशी राजाओं का सहयोग न मिलना, शस्त्रों का अभाव, उपयोगी शासन का अभाव, रेल डाक तार इन परिवहन इनका जो कमी थी। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, भारत में डाक तार रेलवे के जनक किसे माना जाता है, मतलब किसे माना जाता है। आइए 1857 क्रांति के प्रमुख बिंदु, यहां से आपके परीक्षा में एक प्रश्न तो पक्का ही पूछा जाता है। आप चाहें तो पहले इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास जरा सुरक्षित रख लें, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं एक काम करिएगा कि इसकी एक स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर सुरक्षित रख लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट, क्योंकि यहाँ से आपको सिलेक्शन में काफ़ी मदद मिलने वाली है जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं। वैसे मैं पढ़ा दे रहा हूँ लेकिन मैं चाहूँगा इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, एक प्रश्न फिक्स आपकी परीक्षा में पूछेगा यहाँ से। आइए 1857 क्रांति के जो प्रमुख बिंदु है उन्हें एक बार हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ एक तरफ यहाँ पे केंद्र है, विद्रोही नेता है, विद्रोह का दिन है, विद्रोह को दबाने वाले अधिकारी, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से सवाल बहुत कम आते हैं, बड़े परीक्षाओं में आते हैं, लेकिन केंद्र विद्रोही नेता ये दो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कभी कभी मिलान करने के लिए ये भी आ जाता है। चलते हैं, आइए तथ्य को पढ़ते हैं आपके साथ। केंद्र दिल्ली, दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खां दोनों ने, मतलब जो नेतृत्वकर्ता कौन थे 1857 क्रांति के, नेता जो थे वो दिल्ली के कौन थे, बहादुर शाह जफर, और उस समय किसने दबाया, निकलसन और हर्सन ने, इंपॉर्टेंट है। लखनऊ का बेजरत बेगम हजरत महल विरासिस कादिर, ठीक है, कालिस कैंपबेल, झांसी ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर तात्या टोपे, ये जनरल हीरोज ने इसको दमन किया। यहाँ से प्रश्न आते हैं, कानपुर नाना साहब और तात्या टोपे, लेकिन नाना साहब है इसमें, कालीन कैंपबेल ने इसे दबाया, कालीन कैंपबेल ने लखनऊ को भी दबाया था और कालीन कैंपबेल ने कानपुर की जो क्रांति थी उसे दबाने का प्रयास, दमन करने का प्रयास किया था, प्रयास का पूरा दमन ही किया था। फिर हमने देखा जगदीशपुर, कुंवर सिंह अमर सिंह, मेजर विलियम टेलर, इलाहाबाद लियाकत अली, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्नल नील,
फैजाबाद मौलवी अब्दुल्ला, जनरल रेवाड जो था उसने दमन किया था, बरेली खान बहादुर, बिसेंट आयर। तो रट लीजिएगा, यहाँ से एक आपका पूछता है दिल्ली पूछता है, लखनऊ पूछता है, झांसी कानपुर पूछता है, इलाहाबाद पूछता है, ये ऐसे हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल आपको पूछे जाते हैं। ये पूरी नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है परीक्षा वाले। आइए यहाँ कुछ तथ्य हम लोग हैं जो पढ़ लेते हैं। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक लेखक कौन है? अशोक मेहता। मंगल पांडे कहाँ के थे? बलिया यूपी। बिहार का सिंह किसे कहते हैं? कुंवर सिंह को। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ये तीन प्रश्न आपके परीक्षा में हूबहू पूछा जाता है। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 को अपना आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया? इलाहाबाद में। रटने वाले सवाल है, ये परीक्षा में हूबहू पूछे जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। पढ़िए, निःशुल्क क्लास है, नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगी टेलीग्राम या ई लर्निंग विद दुर्गेश के एप्लीकेशन से। अब यहां से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको आपकी परीक्षा में, यहाँ पे सिलेबस में आपके पाठ्यक्रम में है, जिसका नाम है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से परीक्षा में प्रायः सवाल पूछे जाते हैं। मैं चाहूंगा कि इस तथ्य को आप पढ़िए और सिलेक्शन तक और नजदीक चलने का प्रयास करिए। तो हमने ये देखा ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1828 में, ब्रह्म समाज का स्थापना यहाँ पे ब्रह्म समाज, इसी के इर्द गिर्द हमें अपना जो कॉन्सेप्ट है उसे पूरा करना है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 1828 में हुए था, अब कहाँ पे? कलकत्ता। संस्थापक राजा राम मोहन राय, रट लीजिएगा, एक सवाल आपका परीक्षा में फिक्स है। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुई? मिलान करने के लिए आएगा 1828 में। संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। मुख्य बिंदु क्या क्या थे? ये अद्वैतवादी थे, ठीक है, इनके बारे में जान लीजिएगा। हिंदुओं की संस्था, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेवतावाद, पुरोहितवाद आदि का खंडन इन्होंने किया। अंतर जाति विवाह, स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। ब्रह्म समाज में याद रखिएगा राजा राम मोहन राय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में बार बार सवाल पूछा जाता है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में भारत में एक ऐसी नवीन चेतना का उदय हुआ जो पूरे देश में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। यह नवीन चेतना भारतीय पुनर्जागरण या भारतीय रिनेसा के नाम से जानी जाती है। इसे प्राचीन भारत के गौरव को पुनर्जागृत करने पर जोर दिया या बल दिया। आर्य समाज, रट लीजिएगा, यहां से भी सवाल आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना 1875 में, स्थल कहां पे था? मणिचंद्र वाटिका बंबई में। इनका संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनसे जुड़े कुछ बातें, इनके बचपन का नाम मूल शंकर, गुरु का नाम स्वामी बिरजानंद, इनकी रचना क्या थी? सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य, भूमिका, ये इनकी प्रमुख रचना थी, ये इनकी प्रमुख कृति थी। रट लीजिए, एक प्रश्न आएगा, ये आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाता और किताबों में नहीं मिलता, इंपॉर्टेंट है, ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपको उपलब्ध है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इनकी मुख्य बिंदु क्या थी? वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना, इंपॉर्टेंट। वेदों की ओर लौटो, किसने नारा दिया था? आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका वास्तविक नाम मूल शंकर था। पाश्चात्य शिक्षा हेतु दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज 1889 की स्थापना की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं और आगे, रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना कब होती है? सभी लोग बताइए, 1897 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है, कहाँ पे? कलकत्ता में। किसने? वेलूर में। इसके संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। मुख्य बिंदु क्या है? विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आदर्श मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। इसका मूल नाम, इनका जो मूल नाम था क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधन किया था, भाइयों बहनों। 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया। पत्रिका इनकी थी प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन ये बंगाली भाषा में थी। रट लीजिएगा, पूछा जाता है इनकी कौन सी पत्रिका बंगाली भाषा में थी? उद्बोधन। प्रबुद्ध भारत किस भाषा में थी? स्वामी विवेकानंद की जो पत्रिका थी प्रबुद्ध भारत, ये किस भाषा में थी? पुस्तक इनकी राजयोग, रट लीजिएगा। कर्मयोग, रट लीजिएगा। वेदांत फिलॉसफी, ये इनकी प्रमुख रचना है वेदांत फिलॉसफी। ये सारी किताबें आपके परीक्षा में बार बार घुमा घुमा कर पूछी जाती हैं, और हम ये चाहेंगे अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिए,
क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में, ये कौन किया था, न्यूयॉर्क यूएसए में। भारत का इसमें हेडक्वार्टर क्या है, मद्रास में अड़ियार 1882 में। संस्थापक कौन थे, मैडम ब्लॉस्की, ये रूस की महिला थी। कर्नल हेनरी अलकाट, ये अमेरिका के सैनिक थे। मुख्य बिंदु 1907 में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी। 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की जो अध्यक्ष बनी कौन, एनी बेसेंट। ठीक, प्रार्थना समाज, ये सब रटने वाले सवाल हैं जो परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। 1867 में स्थान बंबई, संस्थापक डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग महादेव गोविंद रानाडे। मुख्य बिंदु रानाडे की पुस्तक एक आस्तिक धर्म के आस्था। अरे भैया रटिए पहले इसको। प्रार्थना समाज स्थापना 1867 रट लीजिएगा। स्थान मुंबई, संस्थापक आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। इनकी मुख्य बिंदु रानाडे की पुस्तक एक आस्तिक की धर्म में आस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है जी हाँ। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी एनी बेसेंट थी। और पहली भारतीय महिला कौन थी वो भी बताइएगा। तत्वबोधनी सभा स्थापना 1839, स्थान कलकत्ता, देवेंद्रनाथ टैगोर संस्थापक। ये संस्था राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रेरित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्वबोधनी सभा, इससे राजा राम मोहन राय। देवबंद आंदोलन 1867 में, स्थान देवबंद सहारनपुर, संस्थापक मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रसीद अहमद। सत्य शोधक समाज स्थापना 1873, स्थान महाराष्ट्र, संस्थापक ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले की पुस्तक गुलामगिरी बहुत इंपॉर्टेंट 1872 में। सार्वजनिक सत्य धर्म एवं सत्य शोधक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी बहुत बार परीक्षा में पूछा है। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन स्थापना 1875, स्थान अलीगढ़, संस्थापक सर सैयद अहमद खां। इनकी मुख्य बिंदु रट लीजिए, यहाँ परीक्षा में आता है क्या क्या। देखिए ये आप जो भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रामबाण आधुनिक भारत के इतिहास हम उन्हीं तथ्यों को संग्रह किए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका इतिहास है, जो इतिहास आप आधुनिक भारत का पढ़ रहे हैं, आप परीक्षा हाल से बाहर निकलेंगे, एक भी प्रश्न आपका अपनी बात इतिहास से गलत हो जाए फिर आप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसा लग जाए। सारे प्रश्न आपको इस नोट से मिल जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना, कालांतर में इसका AMU के नाम से जाना जाता है। ठीक, सत्रह सौ चौंसठ में सर सैयद अहमद खां ने सांस्कृतिक सोसाइटी की स्थापना की थी। यंग बंगाल आंदोलन, ये मैंने आपको पहले बताया ना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। स्थापना 19वीं सदी में, स्थान कलकत्ता, हेनरी विलियम डेरोजियो। मुख्य बिंदु आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी डेरोजियो को कहा जाता है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। कहाँ पर, पुणे। पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। रट लीजिएगा द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, भारत सेवक समाज 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के गुरु थे। कौन से गुरु, राजनीतिक गुरु। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। सामाजिक सेवा संघ स्थापना 1921, स्थान बंबई, नारायण मल्लहार जोशी। अहमदिया आंदोलन स्थान 1889, स्थान गुरदासपुर, जिला पंजाब, स्थापक मिर्जा गुलाम अहमद। अखिल भारतीय दलित वर्ग 1924, स्थान मुंबई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रट लीजिएगा, बहुत बार ये पूछा है परीक्षा में, क्योंकि सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं आप सब, और रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। ठीक,
मुख्य बिंदु यहाँ पे ध्यान लीजिएगा कि 1924 में बंबई के दलित संस्था बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की गई। 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ होता है। 1942 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की। मोस्ट आईएमपी है ये, मोस्ट आईएमपी है ये, उन्हीं को समझ में आएगा जो केवल सिलेक्शन के लिए लगातार पढ़ रहे हैं, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और अब रेस के घोड़े हैं। प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन शॉर्टकट में देख लेते हैं, जहां से आपकी परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भैया पढ़ते रहिए, रटते रहिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं सभी लोग, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट आगे देखते हैं। यहां पर हम लोग प्रथम सामाजिक सुधार सती प्रथा, सती प्रथा का उल्लेख 1510 में मिलता है। एरण अभिलेख में, कौन से एरण अभिलेख में, एरण अभिलेख में मिलता है पहली बार 510 में। सबसे पहले कश्मीर के शासक सिकंदर ने इसे बंद कराया। राजा राम मोहन राय, रट लीजिएगा, प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेटिक के सती प्रथा पर रोक लगाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1829, रट लीजिएगा, सिलेक्शन वाले प्रश्न है, सभी लोग रट लीजिएगा, सिलेक्शन वाले सवाल है। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में कलकत्ता के संस्कृत आचार्य ईश्वरचंद विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लॉर्ड कैनिंग 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, रट लीजिएगा, परीक्षा वाले सवाल हैं ये, ठीक है। किसान आंदोलन, आइए ध्यान से देखते हैं यहां पर, अब किसान आंदोलन पढ़ना है, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं बार बार। चलिए मैं यहाँ पर कुछ आंदोलन और बता दे रहा हूँ जो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, जैसे मैं कुछ लिखवा दे रहा हूँ। एक है आपका, ध्यान से लिखिएगा, बाल हत्या प्रथा, कौन सा लिखना चाहे लिख लीजिएगा, बाल हत्या, मैं रुक जाइए मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूँ, अच्छे सब लोग लिख लीजिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। बाल हत्या प्रथा, बाल लिख लीजिए जरा, बाल हत्या प्रथा, क्योंकि जब आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो भैया सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए बाल हत्या प्रथा क्या थी। बाल हत्या प्रथा राजपूत बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। इसमें क्या होता था, जो बालिका थी शिशुओं को जन्म लेते हैं उनकी, उनको मार दिया जाता था। तो किसको, बालिकाओं को, बालिका को जन्म के बाद मार दिया जाता था। कहाँ पर ये ज़्यादा प्रचलित था, ये देखिए पढ़ने वाली है, ये राजपूत बंगाल में था। इसका कारण विदेशी आक्रमण तथा सुयोग्य वरों की अपर्याप्तता की समस्या थी। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं 1785 में, कब 1785 में बंगाल में एक नियम आता है, बंगाल का नियम आता है, बंगाल नियम, बंगाल नियम 21, और फिर आगे चलकर 1804 नियम तीन के अंतर्गत इस कुप्रथा को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किया गया, माने इसके बाद समाप्त किया गया, ठीक है, रट लीजिएगा। दूसरा है दास प्रथा, एक प्रथा मैं और लिखवा दे रहा हूं, दास प्रथा, आइए दास प्रथा को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए दास प्रथा क्या थी, ये भारत में दास प्रथा को बंद करने के लिए कई चीज़ें आती हैं। जैसे अगर हम देखेंगे पहले 1823 में क्या होता है, लिस्टर स्टैन होप ने इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ गोस्टर से अनुरोध किया। फिर इसके बाद दासों के निर्यात में प्रतिबंध, जो दासों का निर्यात होता था उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है। फिर हम आगे चल के देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, अठारह चार्टर एक्ट में क्या होता है, ब्रिटिश सरकार ने दास्ता को गैर कानूनी दे दिया, ठीक, क्या किया, दास्ता गैर कानूनी, दास्ता गैर कानूनी। लेकिन फिर आगे चल के देखते हैं 1843 में, 10 साल बाद 1843 में जो दास्ता है संपूर्ण भारत में प्रतिबंधित कर गया, दास्ता संपूर्ण भारत में प्रतिबंधित हो गया, संपूर्ण भारत में प्रतिबंधित हो जाता है, ठीक है, रटने वाले सवाल हैं। फिर आगे चलकर देखते हैं 1860 में,
1860 में क्या होता है, दास्ता को भारतीय दंड संहिता के साथ अपराध घोषित कर दिया गया। जो दास्ता होती है आईपीसी के तहत अपराध अपराध घोषित कर दिया जाता है। ये रटने वाली चीजें थी जो मैंने आपको यहां से बता दिया। मतलब 1860 में क्या होती है, दास्ता अपराध घोषित कर दिया गया। एक छोटा सा टॉपिक हम लेंगे, स्त्री शिक्षा, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में, उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, दास प्रथा का निषेध कितने किया था, लॉर्ड एनबरो ने किया था। हिंदू महिला संपत्ति कानून लॉर्ड ऑकलैंड लाए थे। शारदा एक्ट क्या था, लॉर्ड इरविन के समय आया था। अभी मैं इस पर भी बात करूंगा, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, मैं और चीजें पढ़ा दे रहा हूं आपको। यहां पर देखिएगा स्त्री शिक्षा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, स्त्री शिक्षा, आइए स्त्री शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। स्त्री शिक्षा क्या थी, भारतीय समाज में जो स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय थी, सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। कब, 1819 में तरुण, लिख लीजिएगा तरुण स्त्री सभा की स्थापना की, किसके द्वारा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा सबसे पहले। 1849 में शिक्षा परिषद के अध्यक्ष, कलकत्ता में बालिका विद्यालय खोला गया 1849 में। कलकत्ता में बालिका विद्यालय रट लीजिएगा, पूछे जाते हैं किसके समय में, 1849 में जेडी बेथून शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे। स्त्री शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा प्रयास ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया, उन्होंने बंगाल में 35 बालिका विद्यालय खोला। किसने, स्त्री शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा ईश्वरचंद विद्यासागर, उन्होंने बंगाल में लगभग 35 विद्यालय खोले, बालिका विद्यालय। 1854 में अगर हम देखें, 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान देती है। कौन, चार्ल्स वुड डिस्पैच, यहां से परीक्षा में आपके फिर प्रश्न आते हैं। इसने स्त्री शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया, उसके विकास पर। फिर आगे चल के देखते हैं 1926 में महिलाओं के उत्थान के लिए अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना होती है, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना, ठीक। फिर 1916 में, पीछे छोड़ के 1916 पहले लिखना चाहिए था, पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, पुणे में भारतीय महिला विश्व विद्यालय की स्थापना की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, रट लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। किसने, करवे ने, अगर पूछा जाए किसने, तो ये पहली बात तो है कहाँ, ये भी पूछा जाता है, ये पुणे में है। किसने कराया था, करवे ने, ये व्यक्ति का नाम था। यार वीडियो को शेयर करिए जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा जरा बताइएगा शारदा एक्ट क्या था, सभी लोग बताइए शारदा एक्ट क्या था। 1860 का वास्तविक नाम क्या था, सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब मैं कुछ अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून की बात करता हूं, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कुछ कानून की बात मैं आपसे कर रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कुछ कानून, जैसे हमने देखा दास प्रथा निषेध कानून है ये, दास प्रथा लिखिएगा, मैं इसको बोल रहा हूं, देखिए दास प्रथा निषेध। इस समय गवर्नर जनरल कौन था पता है आपको, दास प्रथा निषेध, दास प्रथा, ये पूछा था इस समय गवर्नर जनरल कौन था, ये कब, ये 1943 में, कब 1943 में। इस समय यहां पे जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलन बरो था, कौन था, लॉर्ड एलन बरो था। यह परीक्षा में सीधा सवाल पूछा जाता है, मतलब 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1833
सॉरी 1843 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया 1843 में। सॉरी मेरी आवाज़ आ रही क्या? मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो, आवाज़ कट गई हो। फिर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है, क्या मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ क्या वो दिखाई दे रहा है। 1843 ठीक है, दास प्रथा निषेध 1843 में लॉर्ड एनबरो। इसके बाद एक शारदा एक्ट पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है शारदा एक्ट। ये आता है कब? 1930 में। ये किसके समय आता है? लॉर्ड इरविन ये परीक्षा वाले हैं, इस समय लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल होते हैं। इसमें क्या होता है, बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, बालक के लिए। देखिए विवाह की आयु कितनी थी, विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष लड़का, 14 वर्ष लड़की। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शारदा एक्ट, ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है। अब शारदा एक्ट को लेकर एक मन में सवाल आता है कि सर शारदा एक्ट कब आया था, तो जरा आप लोग बताइएगा कि शारदा एक्ट कब आया था। कहीं कहीं आपको ये 29 भी मिल जाता है, ठीक। अब आगे देखते हैं, एक आता है आपका सती प्रथा निषेध। ये कब आता है? 1829 में। रट लीजिएगा, उस समय गवर्नर जनरल कौन होते हैं? विलियम बेंटिक। आवाज आ रही है? कमेंट कर बताइएगा। जिसको साफ नहीं देख रहा, वीडियो को 3 डॉट विंडो पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले। ये पूरा मैराथन क्लास एक तरह से है। एक है नवजात कन्या हत्या कानून। कब आता है ये? ये 1795 में आता है। इसमें क्या होता है, नवजात कन्या हत्या पर रोक लगाई गई। उस समय कौन थे? जानसोर थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह रटिएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसे एक्ट भी कहते हैं। ये कब आता है? 1856 में, लॉर्ड डलहौजी के समय। ये वो टॉपिक है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं एकदम सीधा सीधा, ठीक है। देखिए सम्मति अधिनियम है, ये आपको नहीं बताएंगे। हिंदू महिला संपत्ति कानून क्या था? हिंदू महिला संपत्ति कानून। ये कब आता है? ये 1937 में आता है। उसके समय आता है लॉर्ड ऑकलैंड के समय, लॉर्ड ऑकलैंड। एक खास का मिलान करने के लिए आता है, माने हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार यहाँ पर दिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे पूछ लिया रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, वेदों के पुनरुत्थान की बात किसने किया था, संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया, तो आर्य समाज ने किया था। अच्छा भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे इंस्टा पे, चाहे ट्विटर, जहां भी देख रहे हैं वीडियो को। अब हम चलते हैं कुछ आंदोलन की बात करते हैं। पहला आपके सामने किसान आंदोलन, ठीक है, परीक्षा के लिए है इंपॉर्टेंट, किसान आंदोलन। पहला था नील, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मैं समाजवादी हूं, किसने पुस्तक लिखा था? स्वामी विवेकानंद ने। और
भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और आत्मी सभा 1814 में सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने गठित किया था, ये रट लीजिएगा। देखिए, समाज सुधार आंदोलन दो लक्ष्य थे, पहला स्त्रियों को मुक्ति, उनके समान अधिकार दिलाना, जाति प्रथा की जड़त्वा को समाप्त करना, छुआछूत को खत्म करना, ठीक है। देखिए, राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किया था, लेकिन इसे आगे बढ़ाने का काम देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ब्रह्म समाज में आंतरिक कलह का 19वीं सदी में धीरे धीरे कमजोर भी पड़ने लगा था। जो परमहंस मंडली ने 1840 में मूर्ति पूजा जाति प्रथा का काफी विरोध भी किया था, ठीक है। देखिए, सियुली नुमानी ने 1884-85 में लखनऊ में नदवतल उलमा तथा दारुल उलूम की स्थापना भी की थी। चलते आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी, जबकि राय की उपाधि बंगाल के नवाब ने दिया था उन्हें। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था, लेकिन उन्हें राय बंगाल के नवाब ने दिया था, ठीक है। यहां पे ध्यान देने की बात है आप सभी के सामने, सभी लिए ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए क्लास चल रही है, आपकी परीक्षा के लिए। आधुनिक भारत के इतिहास है, और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, नील विद्रोह, ये नदिया जिला गोविंदपुर गांव में है 1859 सितंबर में। कारण क्या था? नील बगान ललिकों को उत्पीड़न के विरुद्ध मुख्य बिंदु था। इस बिंदु विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। नील दर्पण, नील बंधु का नाटक इस विद्रोह का वर्णन है। नील दर्पण, जो नील बंधु मित्र का नाटक, इस विद्रोह में वर्णन किया गया है। बिना पैसों के अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को नील की खेती कराई जाती थी। हिंदू पेड्रियाटिक समाचार पत्र में इस विद्रोह का समर्थन भी किया गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वैसे इसकी नोट्स आपको लेनी पे दुर्गेश पर मिल जाएगी। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़ेंगे। वीडियो बेहतर लगेगा, अपने 10 साथियों को शेयर करेंगे, एकदम ऐसी नोट्स आपको ना पूरे यूट्यूब पर मिलेगी, क्योंकि हम फैक्ट चीज़ों का आपके लिए लाए हैं जो परीक्षा में एकदम सीधे पूछे जाते हैं। पाबना विद्रोह, इसका क्षेत्र बंगाल का पाबना जिला है। जमींदारों द्वारा लगान की दर बढ़ा देना है, इसमें मुख्य बिंदु क्या था? विद्रोह के नेतृत्वकर्ता ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, शंभूपाल व खोदी मल्लाह थे। बंकिमचंद चटर्जी तथा आरसी दत्त ने इस विद्रोह का समर्थन किया। विद्रोह का नारा था, हम महारानी सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। पाबना, हम महारानी सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, इस विद्रोह का आंदोलनकारियों द्वारा यह नारा दिया गया था। 1873 में, मैं जिक्र करूं, 1873 में यूसुफ शाही परगना में किसान संघ की स्थापना यहीं पर होती है, ठीक है। चलते हैं अगले। मोपला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, 1836 से 1921 तक चला। इसका क्षेत्र केरल था। इसमें मुसलमान कृषक जो हिंदू जमींदारों के बधुआ मजदूर हैं, इसके मुख्य तत्व क्या थे, कारण क्या क्या है? जमींदार द्वारा लगान बढ़ाना, भूमि से बेदखल करना। भोपला विद्रोह का दूसरा चरण खिलाफत के मुदालियार के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा जमींदारों पर चलाई गई थी। मोपला विद्रोह 1921 के चरण खिलाफत नेता जो मुदालियार के नेतृत्व में अंग्रेजों जमींदारों के विरुद्ध था। इसके अहिंसक रहने का तक खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली, गांधी जी, मौलाना आजाद का भी समर्थन था, ठीक है। देखिए, इसके विरोध का स्वरूप किसानों ने हिंदू जमींदारों की हत्या कर दी और संपत्ति लूटना शुरू कर दिया था। जी हाँ, आपके सिलेबस में है। अरे, आपके लिए क्लास चल रही भैया, कहा आप परेशान है। दक्कन विद्रोह, यह महाराष्ट्र की पुणे अहमद में रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए, इसमें क्या था? लगान वृद्धि। यह विद्रोह 1874 में महाराष्ट्र के शिवूर तालुका से शुरू होता है और 1875 में पूना, अहमदाबाद, सतारा, सोलापुर और फैल गया। एका आंदोलन 1921 में, यह अवध उत्तर प्रदेश में है। मदारी, पारसी व सहदेव किसानों की जोत भूमि पर उनका दखल संबंधी अधिकार 1922 तक सरकार इस आंदोलन का दमन कर दिया। चंपारण का नील आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? चंपारण बिहार में, नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी, किसानों ने बंगाल बगान मालिक नील की खेती तीनकठिया पद्धति पर करवाते थे। किसानों को खेत में 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। कितने? 3/20, ये परीक्षा का पूछा सवाल है। गांधी जी ने सत्याग्रह से विवश होकर सरकार ने चंपारण
एग्रेसियन कमेटी का भी गठन किया महात्मा गांधी के साथ, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख एवं जे पी कृपलानी इस आंदोलन में शामिल भी रहे। ठीक, चलते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट है चंपारण आंदोलन 1917 में, यह महात्मा गांधी का भारत आने के बाद सबसे पहला आंदोलन था। आपको खुद देख लेना चाहिए सिलेबस में, अगर आपके हैं तो आपके क्लास के लिए है, आपके सिलेबस में है ना, आदि भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बस बात खत्म हो गई। भाई आपको अपना जब पाठ्यक्रम नहीं पता, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में आया था, कहाँ पे, खेड़ा गुजरात में है, नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी, प्रमुख बिंदु 1917-18 में फसल खराब होने पर भी लगान कमी नहीं करना, नेतृत्वकर्ता जो दल थे महात्मा गांधी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई और इंदुलाल याग्निक थे। बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, अब हम लोग बारदोली सत्याग्रह पढ़ लेते हैं। देखिए आप सभी लोग ऑनलाइन क्लास नोट संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आप सभी के लोग मेरे द्वारा निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में उपलब्ध कराई जा रही बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, एक बार वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से देखिएगा। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली कहाँ पे, गुजरात में है, वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। बंबई सरकार द्वारा कपास की कीमत गिरने के पश्चात भी लगान की दर 30% की वृद्धि कर दी, कितना, 30% की लगान वृद्धि कर दी गई थी। सूरत में बारदोली किसानों ने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाया। बारदोली की मामलों की जांच के लिए ब्रूमफील्ड मैक्सवेल ने जांच की, समिति गठन किया गया, इसमें लगान को 0 से लेकर 6% तक किया गया। ठीक है, इसके बारे में और बातें की पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ, मतलब 30% से घटाकर कितना किया गया, 0 से लेकर 6% किया गया। बारदोली सत्याग्रह में यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, यहीं पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिलती है, सरदार की उपाधि मिलती है। ठीक है, बारदोली की महिलाओं के द्वारा, याद रखिएगा इस आंदोलन में किसानों के साथ साथ कपिल राज जनजाति के लोग भी शामिल थे, कुंवर जी मेहता व केशव जी गणेश जी। कपिल राय समुदाय को शिक्षित करने के लिए कपिल राय साहित्य का सृजन होता है, फिर हाली पद्धति के विरुद्ध आवाज उठाई जाती है। कपिल राज को गांधी जी ने नया नाम रानी पराज दिया। देखिए कपिल राज को गांधी जी ने क्या कहा, रानी पराज, अगर प्रश्न पूछा दिया, बड़ी परीक्षा में पूछा था, रानी पराज ये उपनाम है, किसने दिया, गांधी ने दिया, किसको दिया, काली पराज को, ये रट लीजिए, सिलेक्शन अगर आपको लेना है तब। ठीक है, काली पराज हाली पद्धति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और काली पराज एक जनजाति है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, सभी लोग टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से सभी लोग जुड़ लीजिएगा। घर बैठे ऑनलाइन क्लास नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध है, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, अगर स्पीड ज़्यादा लगे कम कर लीजिएगा, कम लगे तो बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये मैराथन क्लास थी संपूर्ण भारत आधुनिक भारत के इतिहास में। आज एक प्रमुख टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा। अब मेरा सवाल आपसे कुछ है, नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। नील विद्रोह कब शुरू हुआ, 1859 में शुरू हुआ, कहाँ पे, बंगाल में हुआ। पाबना विद्रोह पर जमीन दर्पण नाटक किसने लिखा, मुशर्रफ हुसैन ने, जमींदार दर्पण नाटक, जी हाँ, दर्पण नाटक किसने लिखा, मुशर्रफ हुसैन, रटिएगा ये किताब का नाम है, क्योंकि मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड भर चुका है, मुशर्रफ हुसैन, ये दर्पण नाटक है। ठीक है, जी हाँ, अवध का एका आंदोलन किसने नेतृत्व किया, मदारी पासियों सहदेव ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह कब शुरू किया, तो यहाँ पर देख रहे हो 1928, रट लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि बाबा राम सिंह कुका आंदोलन तथा रामधारी आंदोलन से भी संबंधित है। बिरसा मुंडा 3 फरवरी 1900 को सिंह भूमि में गिरफ्तार किए गए और 1900 में जेल में हैजे में उनकी मृत्यु की हो गई। दक्कन विद्रोह पूना जिले के सूपा में शुरू होता है। दक्कन दंगा रिपोर्ट जो है 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। हाँ, बिरसा मुंडा का संबंध कहाँ से है, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है सीरीज, वह है आपका
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण, जहां पर हम लोग परीक्षा में आने वाले सवाल को पढ़ेंगे और भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा, शिक्षा से जुड़े हुए सवाल और उन प्रमुख तथ्यों को पढ़ेंगे जहां से आपके भर्ती परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद की टॉपिक जो है वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। तो इस सीरीज के लिए अंत तक बने रहिएगा। सभी साथियों, ई लर्निंग विद दुर्गेश की आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, लेकिन उसकी लिंक टेलीग्राम पर है। आपके लिए नई एप्लीकेशन है जहाँ पे आप ऑनलाइन क्लास, निःशुल्क PDF, निःशुल्क नोट, प्रैक्टिस सेट, सभी चीज़ें एक ही एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर इस क्लास से पूरी तरह संतुष्ट होइएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, जितनी बार चाहे आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वो प्रश्न है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। NCERT के साथ साथ अगर आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया है, लाइक किया है, उनका दिल से थैंक यू। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। बाकी सभी क्लास की लिंक टेलीग्राम पर है।